सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे निकॉन D750 की सेटिंग्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा कि अगर आप एक निकॉन का D750 यूज़ कर रहे हैं तो आपको वेडिंग के लिए स्पेशली कौन कौन सी सेटिंग्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके जब फोटो खींचें या वीडियो खींचें तो आपको इस कैमरा से रिजल्ट जो है वो अमेजिंग से अमेजिंग मिल पाए। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि मैं खुद एक सोनी यूज़र हूँ और बहुत टाइम से सोनी यूज़ कर रहा हूँ फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के लिए, बट ये वीडियो मैं डिमांड पर बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से, उन लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो से मिल पाए। तो चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और इसकी सेटिंग्स के बारे में कि आपको कैसे कैसे इसको यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी फोटोग्राफी और बेहतर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम हमारे कैमरा के ऊपर आ चुके हैं। ये मेरे पास निकॉन D750 की बॉडी है जिसमें मैंने लेंस लगा रखा है 24-120, जो कि बेसिक किट लेंस है, F4 अपर्चर के साथ में आता है। अभी हम जानने वाले हैं सेटिंग्स के बारे में कि हमें सेटिंग्स क्या क्या रखनी चाहिए। ये कैमरा बहुत पुराना है, लाइक 2014 में लॉन्च हुआ था, तो अभी जो लोग नया परचेज करने का प्लान कर रहे हैं मैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ऑलरेडी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, अब किसी नए कैमरा की तरफ बढ़िए। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सेटिंग्स के बारे में समझ पाएँ। पहले तो हम बटन्स के बारे में जानते हैं कि बटन्स कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं। ये एक फुल फ्रेम प्रोफेशनल बॉडी है, तो इसके ऊपर सारे बटन्स जो हैं कस्टम किए हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको शॉर्टकट कीज की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे सारे, मेरा मेन्यू, वाइट बैलेंस का बटन है, क्वालिटी का बटन है, ISO का बटन है, आई बटन है, एंड एक्सपोजर AEL और AFL है, इंफॉर्मेशन बटन है, ये कमांडर डायल है, ये कंट्रोलर डायल है जिससे आपका कैमरा कंट्रोल होगा, राइट एंड लेफ्ट होगा, मेन्यू आपका इससे अप एंड डाउन होगा, एंड देन यहाँ पे नीचे के साइड में लाइव व्यू के लिए डायल दे रखा है। अगर आप अपने लाइव व्यू मोड पे जाना चाहते हो या फिर वीडियो मोड पे जाना चाहते हो तो आपको सिंपली इसको यहाँ से प्रेस करके स्विच करना होता है, तो ये मेन्यू के ऊपर जंप हो जाता है, एंड देन इस बटन को दबाना होता है तो ये आपके नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन वाला डिस्प्ले है वो निकल के आ जाएगा। और अगर आपको लाइव व्यू पे क्लिक करनी है तो फिर अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो अगेन ये लाइव व्यू के ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये वाला बटन वर्क करता है जो नीचे कैमरा में दिया हुआ है। बेनिफिट क्या है इस DSLR का कि सारे कस्टम जो बटन्स हैं सारे ऑलरेडी कस्टमाइज किए हुए हैं। यहाँ पे आपको कमांडर डायल मिलता है जिससे आप अपनी शटर स्पीड चेंज करते हैं अगर आप मैनुअल मोड पे हैं, और यहाँ पे आगे की तरफ आपको सब कमांड डायल मिलता है। अगर मैं मूव करूँ कैमरा तो आप देख पाएंगे, यह है सब कमांड डायल। सब कमांड डायल से आप अपने जो है अपर्चर को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों बटन आपको शटर स्पीड और अपर्चर को चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये अबाउट हो गया कि जो बटन्स का अलाइनमेंट है कैमरा के ऊपर। एक और जो बटन है यहाँ पे जो कि आपको हेल्प करता है सेट करने में आपकी जो कि मेन्यू की सेटिंग्स होती हैं, अगर आप मैनुअल मोड पे हो अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, और ऑटो मोड पे अगर आप शूट कर रहे हो तो यहाँ से आप इस डायल के थ्रू चेंज कर सकते हो। एंड देन इसी के नीचे एक छोटा सा डायल भी बना हुआ है, जो डायल आपको इस बटन को प्रेस करने के बाद ये नीचे वाला डायल घूमेगा जिससे आप सिंगल शूट कर रहे हो, कंटिन्यूस स्लो शूट कर रहे हो, कंटिन्यूस हाई शूट कर रहे हो, क्वाइट मोड पे शूट कर रहे हो, क्वाइट सी मोड पे शूट कर रहे हो, टाइमर मोड पे शूट कर रहे हो, और मिरर अप पे हो, तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आपके इस डायलर पे दे रखे हैं। तो ये अबाउट हो गए सारे बटन्स। अब हमें जानना ज़रूरी है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ये कैमरा ऑलरेडी पूरा कस्टमाइज हुआ हुआ मिलता है आपको, तो आपको अगर मैं बिग भाई इसको लाइव में से हटाता हूँ और इन्फॉर्मेशन बटन पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बटन जिससे आप देख रहे होंगे कि इससे मेरी शटर स्पीड चेंज हो रही है जो कि मेरा कमांडर डायल है, और जो सब कमांडर डायल है उससे मेरा अपर्चर जो कि है कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे ISO चेंज करना है तो ISO चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस ISO वाले बटन को प्रेस करना होगा, और इसको बटन को प्रेस करने के बाद में आप कमांडर डायल से अपना जो ISO है वो चेंज कर पाएंगे। देख रहे होंगे आप अभी कैसे चेंज हो रहा है ISO, और जो सब कमांडर डायल है वो आपको हेल्प करेगा अगर आपको अपने ISO को ऑटो पे रखना है या उसे ऑटो से ऑफ करना है। तो कई बार हम लोगों को ऑटो ISO की बड़ी नीड पड़ती है जब हम फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा ऑटो जो है ISO इस जल्दी से ऑन हो जाए, तो मुझे केवल ISO वाले बटन को दबाना है और सिंपली सब कमांडर डायल पे घुमाना है, तो मेरा कैमरा जो है ऑटो ISO पे चले जाएगा। ये हो गया अबाउट ऑटो ISO की सेटिंग्स के बारे में और ISO कैसे वर्क करता है अगर आपको सडनली चेंज करना हो। देन उसके बाद सपोज करिए आपको वाइट बैलेंस चेंज करना है, तो वाइट बैलेंस के लिए भी सिंपली मुझे इस बटन को प्रेस करना है सेकेंड नंबर वाले के, और जो कि कमांडर डायल से मेरा वाइट बैलेंस जो है देख रहे होंगे आप चेंज हो रहा है। ठीक है,
और सब कमांडर डायल से, सपोज करिए मैं कैल्विन के ऊपर हूँ अभी और मुझे कैल्विन डिग्री को चेंज करना है, तो मैं सब कमांडर डायल घुमाऊंगा, उससे मेरी जो कैल्विन डिग्री है वो मेरी चेंज होती हुई आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो बेसिकली सब कमांडर डायल और कमांडर डायल दोनों सारे काम करते हैं अगर आपको अपनी सेटिंग्स को चेंज करना है। इसके अलावा इसमें क्वालिटी के बारे में भी है कि आप क्वालिटी अगर आप इमेज की रख रहे हो तो वो कैसे चेंज कर सको, तो सिंपली आप क्वालिटी के बटन को प्रेस करोगे तो फिर ये आपको हेल्प करेगा क्वालिटी को चेंज करने में। आपको नॉर्मल शूट करनी है, बेसिक शूट करनी है, रॉ प्लस बेसिक शूट करनी है, रॉ प्लस फाइन शूट करनी है, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब वेडिंग के अंदर हमें क्या सेटिंग रखनी चाहिए, इमेज क्वालिटी क्या रखनी चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो अपनी सेटिंग्स हैं क्वालिटी की, इमेज क्वालिटी की, वो आप इसको रॉ पे रखिए। अगर आप बेसिकली कोई बड़े क्लाइंट का काम करें रॉ प्लस जेपीजी, ताकि आप अपने फोटो को देख पाएं कि आपने फोटो क्या क्लिक किया है, और रॉ के ऊपर आप एटलीस्ट अच्छे से काम कर पाएं एडिटिंग के अंदर। और अगर आपके पास रॉ एडिट करने का सोर्स नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा आप नॉर्मल जेपीजी फाइन रख सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिटी एटलीस्ट जेपीजी की जो होगी, जेपीईजी की, वो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी आपकी इमेज की मिल पाएगी। तो अगर आप कोई बड़ा क्लाइंट कर रहे हैं आप रॉ एडिट कर सकते हैं, तो रॉ प्लस फाइन शूट करिए या फिर रॉ प्लस बेसिक शूट करिए। और अगर आप कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, आपको पता है कि रॉ एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं रॉ नहीं शूट करना चाहता, तो आप नॉर्मल फाइन पे आप शूट कर सकते हैं जेपीईजी, जिससे आपको एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी मिल पाए आपकी फोटोज की। अच्छा, तो एक और जो इंपॉर्टेंट काम है वो है मीटरिंग का, जो कि यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको बटन दिया होता है। अगर मैं कैमरा को टिल्ट करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला बटन, जो कि मीटरिंग को स्पेशली ऑन कर देगा, जैसे आपके सामने वो ओपन हो रहा होगा। फिर आप सब कमांड डायल को प्रेस करेंगे और सब कमांड डायल से आप उसको घुमाएंगे तो आप देख रहे होंगे मीटरिंग चेंज हो रही है आपके सामने, यहाँ स्क्रीन पे भी है, और अगर आप ऊपर वाली डिस्प्ले पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। तो अगर आप एक नॉर्मल ये जो मीटरिंग दे रखी है, इसमें मैट्रिक्स मीटरिंग है, सेंट हाईलाइट वेटेड मीटरिंग है, स्पॉट मीटरिंग है, सेंट्रल वेटेड मीटरिंग है, तो बेसिकली मैट्रिक्स मीटरिंग ही हम यूजुअली यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स मीटरिंग का यूज़ ये होता है कि जो इंटायर फ्रेम है कैमरा, जब उसमें लाइट को एक्सपोज करे तो वो इक्वली पूरे फ्रेम में लाइट को डिवाइड करे। तो वेडिंग के अंदर मैक्सिमम हमें ऐसी सिचुएशन में काम करना पड़ता है कि हमें इक्वल एक्सपोजर मिल पाए पूरे इस फ्रेम में, इसलिए मैं जो मीटरिंग है वो मैट्रिक्स रखता हूँ। इसके अलावा कोई और मीटरिंग को मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता हूँ। एक बार मैं दिखा दूँ मैट्रिक्स का लोगो कैसा होता है, तो जो आपके सामने ये लोगो आ रहा है ये बेसिकली मैट्रिक्स मीटरिंग है, और उसके बाद जैसे आप चेंज करते रहेंगे तो स्पॉट मीटरिंग भी आएगा, सेंट्रल वेटेड भी आएगा, सारे टाइप की मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, बट परमानेंटली मैं इस मीटिंग के ऊपर ही अपने कैमरा को शूट करता हूँ। अब मीटिंग हो गया, अब हम यहाँ पे एक आई बटन भी है जो कि बहुत यूज़फुल बटन है। सपोज़ करिए कई बार हमें कोई सेटिंग्स चेंज करनी हो तो हमें अंदर जाना पड़ता है मेन्यू के, और मेन्यू में से ढूंढना पड़ता है कि यार मेरे को कौन सी सेटिंग को चेंज करना है ना। बट अगर आपको मेन्यू में नहीं जाना तो सिंपली आपको इस बटन को प्रेस कर देना है, आई बटन को, सॉरी अगर मैं एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दबाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मेन सेटिंग्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी मेन्यू की, जो मुझे फोटोग्राफी करते टाइम पे बड़ी काम आती हैं। तो जैसे सपोज करो अगर मुझे पिक्चर प्रोफाइल को चेंज करना है, तो वेडिंग के अंदर मैं यूजुअली विविड ही रखता हूँ, बट अगर आपको जैसी सूट करती है स्टैंडर्ड न्यूट्रल तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और एक्टिव डे लाइटिंग ऑन करनी है, एक्टिव डे लाइटिंग बेसिकली काम करती है कि अगर आप डे लाइट सिचुएशन में हो तो आपकी फोटो में शेडोज वाले एरियाज में से अपने आप डिटेल निकल के आ जाए, तो एक्टिव डे लाइटिंग वही काम करता है। तो आपको अगर ये भी ऑन करना हो या फिर एक्सट्रीम हाई करना हो, हाई करना हो, नॉर्मल करना हो, तो वो आप यहाँ से आके सेट कर सकते हो। ये एक आई बटन पे सब कुछ बना रखा है कंपनी ने ऑलरेडी, देखिए सारे जितने भी मेन फंक्शन हैं वो सारे के सारे आई बटन पे दे रखे हैं, और आई बटन के थ्रू आप उनको आसानी से यूज़ कर पाओगे, जस्ट आपको मेन्यू में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद अगर आप वीडियो मोड पे हो तो भी आई बटन बहुत काम होता है, तो मैं वीडियो मोड पे आकर के आपको आई बटन खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो वीडियो से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें हैं वो भी सारी यहाँ पे दे रखी हैं, क्योंकि मुझे कौन सी फ्रेम रेट पे शूट करना है, कितनी क्वालिटी पे शूट करना है, इसके साथ में अगर मुझे विंड नॉइज़ को ऑन करना है नहीं करना है, वो मुझे बंद करना है, और ऑटोमेटिक मेरे को जो मेरी माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी है वो रखनी है या मुझे उसे मैनुअल रखना है, तो वो सारे फंक्शन आपके सामने देखिए, मैंने मैनुअल माइक ऑडियो को कर दिया है, तो यहाँ से वो सारे फंक्शन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। सब कुछ इंटरफेस के ऊपर ही आ जाता है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फोटो वीडियो दोनों शूट कर रहे हो तो उसके लिए ये जो ऑप्शन है आई बटन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मैक्सिमम सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। अब ये तो हो गया अबाउट बटन्स के ऊपर के बटन्स में हम क्या चीज़ कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें मैं खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करता हूँ, जैसे कि AEL बटन और FN बटन। कैमरा में बॉडी के जब आप शूट करेंगे तो यहाँ पे एक FN बटन भी दिया हुआ है, यहाँ पे इस साइड पे नीचे की तरफ एक FN बटन दे रखा होता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये FN बटन, इसको फंक्शन बटन बोलते हैं। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं भी इसको हमेशा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखता हूँ। तो उसको कैसे कस्टम करते हैं, उसके लिए आपको मेन्यू में आना पड़ेगा। मेन्यू बटन दबाएंगे, फिर आपको ये जो पेंसिल वाला निशान है चौथे, 1 2 3 4 चौथे नंबर का, उसमें आना पड़ेगा। उसमें आने के बाद में आपको अंदर आना पड़ेगा कंट्रोल्स में, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे है AEL और AFL, इसको जा करके आपको पहले तो इसको ऑन करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे गए हम, फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑटो फोकस लॉक ओनली। हेल्प करेगा जब आप सब्जेक्ट के ऊपर, सपोज करो आप कई बार हम जब फोटोग्राफी करते हैं तो हम जो मेन शटर बटन होता है उसको प्रेस करते हैं फोकस करने के लिए, बट अगर आपको नहीं करना, इस बटन को भी प्रेस करना है, तो इस बटन से भी आपका जो फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर होगा। ये बटन बेसिकली उस चीज़ को कस्टम करने के काम में आता है। तो ये पहले हमने कर लिया AEL बटन को कैसे आप कस्टम कर सकते हो। सेकेंड बटन जो मुझे कस्टम करना था वो था FN बटन। तो FN बटन को भी मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो FN बटन पर अगर मैं जाता हूँ मेन्यू में जा करके, कंट्रोल्स में आता हूँ, नीचे आता हूँ, फंक्शन बटन, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं, लाइव व्यू पे, अगर आपको लाइव व्यू पे जंप करना है सडनली, और PVL बटन जो प्रीव्यू बटन होता है उस पर आपको जंप करना है, और कैमरा सेम एज कैमरा AEL बटन अगर आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे बटन्स को। पर जो मुझे खुद को पर्सनली बटन पसंद है इस FN वाला, वो कंपनी ऑलरेडी कस्टम करके देती है जिसपे ऑलरेडी कस्टमाइज है। तो मैं अगर इस पर्सन को प्रेस करूँगा FN बटन को यहाँ से, तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। एक सेकेंड, मैं इसको लाइव व्यू से बंद करता हूँ, जो कि है इसका FX और DX मोड। तो आप देख रहे होंगे FX और DX मोड। अभी मेरा कैमरा क्या है, फुल फ्रेम है, FX 36:24 के रेजोल्यूशन के ऊपर शूट कर रहा है। तो जब मैं पिक्चर इससे क्लिक करूंगा, अभी देखेंगे अपन, अभी मैं 70 मिलीमीटर के ऊपर हूँ। जब मैं इसे पिक्चर शूट करता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा तो सा फोकस इधर कर लें, ये मैंने फुल फ्रेम पे शूट करी फोटो, ठीक है। और आप सपोज करिए आपके इस लेंस का जूम खत्म हो गया है, अभी मैं जूम वूम नहीं चेंज करूंगा कुछ भी, मैं सिंपली FN बटन को प्रेस करूंगा, FN बटन को प्रेस करूंगा और इसको सब कमांडर डायल से मूव करके DX में क्रॉप कर दूंगा। तो मेरा सेंसर अब एक फुल फ्रेम की जगह एक क्रॉप सेंसर की तरह काम करेगा। अब मैंने मेरा जूम नहीं बढ़ाया, पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरे क्लोज आ गया है बहुत। और जब मैं दूसरी पिक्चर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मुझे एक डिफरेंट शॉट देगी या डिफरेंट एक व्यू एंगल देगी। ये कब काम आता है ऑप्शन, जब मुझ मेरे पास जूम खत्म हो गया और मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे जूम और चाहिए और मेरे पास कोई और लेंस नहीं है, तो सिचुएशन में मैं इस कैमरा को DX के ऊपर क्रॉप कर सकता हूँ। और DX में क्रॉप करने के बाद में मैं इसे क्रॉप इमेज यानी APS-C सेंसर पे क्लिक कर पाऊंगा। ऑब्वियसली ये आपको लो लाइट में प्रॉब्लम करेगा, अगर आप ज़्यादा लो लाइट में हैं, आपने ISO बढ़ाया तो नॉइज़ आ जाएगा, और इवन अगर आपके पास इसमें मेगापिक्सल भी कम हो जाता है, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का आधे मेगापिक्सल के ऊपर ये शूट करेगा, करीबन ये आपको 12 मेगापिक्सल की फोटो बना के देगा। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन जो है वो थोड़ा रिस्की है, बट अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, लेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप यही यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। तो मैं वापस अगर इसको बंद करता हूँ, और इसको वापस मैं अपने फुल फ्रेम मोड पे कर देता हूँ, ये फुल फ्रेम मोड पे हो गया, ठीक है। अब एक ऑटो फोकस की बात कर लेते हैं लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऑटो फोकस के लिए सिंपली यहाँ पे साइड में लेंस के एक बटन दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया है कैमरा पूरा कस्टमाइजेबल है। तो अगर आप इसको कैमरे को, अगर आपको इसको मैनुअल फोकस पे करना हो तो आपको सीधे इसको लीवर को प्रेस करना है तो मैनुअल पे चले जाएगा, और ऑटो पे करना है तो ऑटो पे चले जाएगा। यहाँ पे एक बटन भी है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस भी होता है, जिससे आप अपने ऑटो फोकस को भी सेट कर सकोगे। अब हम वापस मेन्यू में चलते हैं, इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा,
मेरा जो ऑटो फोकस वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। अब मुझे ध्यान रखना है कि मुझे मेरा ऑटो फोकस कैसा चाहिए। अब वेडिंग में मैं मैक्सिमम मुझे मेरे मेरे को कैमरा के पूरे 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि सब कमांडर डायल से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, अगर आपको वाइड चाहिए जो कि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से फोकस करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपको सिंगल पॉइंट चाहिए जो कि सेंटर में ही रहेगा केवल, अगर आपको 9 ऑटो फोकस एक्टिव चाहिए, अगर आपको 21 चाहिए और आपको 51 चाहिए, तो मैं बेसिकली 51 पे रखता हूँ मेरा कैमरा, ताकि मैं मेरे कैमरा के फोकस को अपने हिसाब से चला पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। दूसरी चीज़ जो मेरी ऑटो फोकस सेंसिटिविटी होगी, फोकस मोड जो होगा वो मेरा ऑटो फोकस सी होगा कंटिन्यूअस, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फोकस कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्ट के ऊपर ट्रैक करता रहे, तो ये मेरे लिए एक वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। इसमें मेरी 51 की 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स भी ऑन रहेंगे और साथ ही में मेरा कैमरा जो है कॉन्टिन्यूस फोकस भी करेगा सब्जेक्ट पे। हम देखते हैं इस 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स को ऑन रखने का बेनिफिट क्या होता है। मैं अपने हिसाब से फोकस को मूव कर सकता हूँ। अगर मैं अभी थोड़ा सा इसको अंडर एक्सपोज कर दूँ एक बार, तो अभी देखेंगे कि ये जो रेड है ऑटो फोकस पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अभी मैं इसको जो डायल है इससे मैं अगर जैसे ही सपोज करूँ मुझे सेंटर में फोकस करना है, मैं इसको सेंटर पे लेके आऊँगा और फोकस पॉइंट दबाऊंगा, तो मेरा उस सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस हो जाएगा। और मुझे अगर राइट साइड पे फोकस करना है दूसरी वाली बॉटल पे जो इसके पीछे है, तो मैं इस डायल को लेके आऊँगा इधर और फिर प्रेस करूँगा, तो मेरा फोकस है जो पीछे चले जाएगा आगे की जगह। तो इस तरीके से मैं अपने फोकस पॉइंट को अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रायोरिटी डायल के फोटो क्लिक कर सकता हूँ कि मुझे फोकस किस सब्जेक्ट के ऊपर करना है, जो कि इस बटन के थ्रू कंट्रोलेबल है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप मैं फिफ्थ वेडिंग के अंदर हॉश पॉश में इस ऑटो फोकस की सेटिंग को रखो, आप अपने हिसाब से अपने फोकस को एडजस्ट करके अपने सब्जेक्ट की फोटोज क्लिक क्लिक कर सकते हो। दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं इस सेटिंग के ऊपर रहता हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स से जो मैं वेडिंग में मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आप इस कैमरा को और कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लान हो कुछ परचेज करने का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेसरीज के लिंक डाल रखे हैं निकॉन सोनी के और सभी प्रोडक्ट्स के। और इसी के साथ में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी लिंक मिलेंगे, तो मुझे वहां जाके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।